ऐसे स्थान पर जहां पर न केवल स्पोर्ट्स होता है बल्कि हमारे देश की सेवा के लिए जो सैनिक तैयार किए जाते हैं वो भी यहां से बहुत सारे बच्चे जो है आर्मी में भर्ती होने के लिए यहां पर आ रहे हैं। और ये बेटा क्लब की वजह से यहां पर ये सब तैयारियां की गई, इस स्थान को इन्होंने बनाया। मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, ये जो आज उन प्रतिभाओं को निकालने के लिए किया है। जब आप पिछले सप्ताह मेरे ऑफिस में मेरे साथ बातचीत हो रही थी, हमें बहुत हर्ष हुआ कि यहाँ पर एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर न केवल स्पोर्ट्स होता है बल्कि हमारे देश की सेवा के लिए जो सैनिक तैयार किए जाते हैं वो भी यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है आर्मी में भर्ती होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और ये बेटा क्लब की वजह से यहाँ पर ये सब तैयारियां की गई, इस स्थान को इन्होंने बनाया। मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, ये जो आज गेम देख रहे थे, लास्ट समय में जब टारगेट अचीव करने वाली बात आ रही थी तो बहुत अच्छे छक्के लगे और हमने शुरू से तो मैच नहीं देख पाया क्योंकि थोड़ा कमिटमेंट ऑफिस की भी रहती है। और अब जब आए तो हमने देखे कुछ छक्के वास्तव में लगे तो अच्छा लगा। और विमल जी से जैसे बात हो रही थी कि हमारी बचपन हमको याद आ गई, हम भी जब छोटे आप ही के एज के हुआ करते थे उस समय मैं सुदूर पहाड़ में, हमारे पास इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती थी लेकिन हम किसी खेत में या जिसे डांक कहते हैं डांक के ऊपर खेला करते थे। एक बार ऐसे ही हमने एक टूर्नामेंट रखा और बारिश की वजह से वो टूर्नामेंट खराब हो गया क्योंकि वहां पर पानी भर गया था। लेकिन जुनून ऐसा था क्रिकेट का कि हमको मैच खेलना ही खेलना था। तो हम जो दूसरी गांव थी और हमारी गांव दोनों खिलाड़ी, हमने डिसाइड किया कि हम कहीं नहीं तो डांक में करेंगे। डांक एक ऐसी जगह होती है जहां खेत ऊंचाई में होते हैं लेकिन टॉयलेट नहीं होने की वजह से गांव वाले वहां टॉयलेट किए होते हैं। तो आपको विश्वास नहीं होगा, उस टॉयलेट की उतनी गंदगी जग वाली जगह में भी हमने क्रिकेट को खेल लिया। और क्योंकि दो ही गांव के बीच का मैच था और बहुत बार तो हमारे हाथ में भी गंदगी लगी लेकिन उसकी परवाह किए बिना वो मैच हमने खेला और उस मैच को हमने जरूर हार दिया, हारे हम लोग, लेकिन वो यादगार मैच जिंदगी में हम कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है, हो सकता है जो खिलाड़ी आप आज यहाँ पर खेल रहे हैं वो कल के दिन हमारे रणजी ट्रॉफी खेले हैं और आगे जाने के बाद देश का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। आप देखते हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी है और या कोई भी हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, वो एकदम से ऊपर टॉप पर नहीं पहुंचे, उन्होंने ऐसे गलियों से खेला। यहाँ तो आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है लेकिन उन्होंने अपने घर के बीच में जो स्ट्रीट रोड होती है उस स्ट्रीट रोड में ही खेला और धीरे धीरे करके आगे बढ़े और देश का उन्होंने नाम रोशन किया। तो मैं आप सभी खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि आपको जो भी सपोर्ट की जरूरत है, हमारी ईस्टर इंडस्ट्री लिमिटेड खटीवा भी आपके साथ हमेशा मेहता जी के सौजन्य से खड़ी रहेगी। आप लोग तैयारी करिए और आपका जो टारगेट हो, ये टारगेट हो कि हम भी एक दिन ऐसा खिलाड़ी बने जो आपके साथ है।
है।